नमस्कार साथियों, अभिवादन करिए स्वीकार। मैं राकेश चौहान टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, हमारा टारगेट फॉर आईक्यू जो संस्थान है, यह लगभग लगभग सारे हिंदी भाषी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी PCSJ और APO के एग्जाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन हमारे इंस्टीट्यूट के जरिए करवाई जाती है। अगर आपको बिहार APO, बिहार PCSJ, UP, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड, इन स्टेट के से संबंधित किसी भी विधि से संबंधित एग्जाम या परीक्षाओं का तैयारी करना है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पर संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, या फिर आप हमको जो है यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, या फिर आप हमको फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार PCSJ में साइंस का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है और यह करीब करीब एक स्पेशली एक पेपर ही है, और जो जो कैंडिडेट, जो अभ्यर्थी साइंस में अच्छा करते हैं उनको मेंस में उनके मेंस में नंबर बढ़ने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। अगर आप साइंस में 8-10 नंबर का एडवांटेज ले लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मेंस या इंटरव्यू तक हेल्प करेगा। तो साइंस पे थोड़ा सा आपको फोकस करना चाहिए। साइंस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, यानी किन्हीं दो चीजों के बारे में, दो जीवों के बारे में, दो सब्सटेंस के बारे में डिफरेंस पूछता है, और यह क्वेश्चन करीब करीब 8-8 नंबर तक का आ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन होगा उसमें एक एक दो दो नंबर के 3-4 डिफरेंस बताने होंगे, 7-8 नंबर हो जाते हैं। तो इसी ऐसी ही सीरीज हम लोगों ने यूट्यूब पर शुरू किया है जिसमें बिहार PCS में जितना भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम एक साथ एक जगह वीडियो में करवाएंगे। तो आज हम बात करेंगे हार्मोन्स और फेरोमोन्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, फेरोमोन्स क्या होते हैं और हार्मोन्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। हार्मोन्स जो होते हैं बेसिकली इंडोक्राइन ग्लैंड के जरिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। हमारे इंडोक्राइन सिस्टम में तीन तरह की ग्लैंड होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्जोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, उसको ब्लड में मिला देती है और ये पूरे शरीर में ब्लड के साथ हार्मोन सर्कुलेट होता रहता है। जिस ऑर्गन को हार्मोन की जरूरत होती है वह ऑर्गन हार्मोन को ब्लड से रिसीव कर लेता है। वहीं अगर हम फेरोमोन्स के बारे में बात करेंगे तो यह ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो शरीर के अलग अलग टिश्यूज से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, कुछ स्पेशलाइज ग्लैंड के जरिए भी प्रोड्यूस किए जाते हैं और किसी भी जीव के किसी बॉडी के हिस्से से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। आप लोगों ने अक्सर बचपन में कोई दोहा वगैरह पढ़ा होगा कि एक कस्तूरी मृग होता है, उस मृग को कस्तूरी की महक तो महसूस होती है लेकिन वह इधर उधर ढूंढता है, उसे मिलता नहीं है कस्तूरी, जबकि उसके पास ही होता है। ठीक है, तो इसी तरह एक ऐसी एक बड़ी अच्छी किताब है, अल्केमिस्ट किताब है, अगर आप चाहें तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि शायद मेरे ख्याल से पाउलो कियोलो की लिखी हुई अल्केमिस्ट बुक है। उसमें भी उन्होंने यही मैसेज दिया है कि जो हमें चाहिए वो हमारे आसपास ही होता है, हम पूरी दुनिया में भटकते हैं। तो ऐसा ही फेरोमोन्स भी होते हैं, कस्तूरी मृग के पास ही होता है लेकिन वो भटकता रहता है। तो ये फेरोमोन्स क्या, कस्तूरी मृग का जो कस्तूरी है वह भी एक तरह का फेरोमोन्स ही है। फेरोमोन्स जो होते हैं बॉडी टिश्यू से, बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट से या किसी खास तरह के ऑर्गन से प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन यह हार्मोन से डिफरेंस होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी के फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इनको कंट्रोल करने के लिए, यानी अलग अलग फंक्शन को फंक्शन से संबंधित होते हैं, उनके रेगुलेशन के लिए होते हैं। वही फेरोमोन्स का अलग यूज होता है। फेरोमोन्स जो होते हैं दो एक ही प्रजाति के, एक ही स्पीसीज के दो जीवों के बीच में परस्पर संवाद स्थापित करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए और इन सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई जीव है वह खास तरह का फेरोमोन्स उसके शरीर से निकलेगा, वह इधर उधर एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा और दूसरा जीव उसकी तरफ आकर्षित हो गया हो जाएगा। जैसे मेटिंग के लिए जीव इसका इस्तेमाल करते हैं, वहीं पे एक जीव दूसरे जीव को, यानी सेम प्रजाति का, अपने ही प्रजाति के जीव को कोई खतरा हुआ तो वह अलर्ट करता है कि भाग जाओ, बिल में छिप जाओ या कहीं सेफ प्लेस पे चले जाओ, कुछ खतरा है। वहीं पर कुछ जीव होते हैं वह अपना टेरिटरी बनाते हैं कि इस एरिया में आओगे तो मेरा, वह गली जो है तुम्हारी है, ये गली का कुत्ता मैं हूं, ऐसे करके कुत्ते भी अपनी टेरिटरी बनाते हैं। तो फेरोमोन्स के जरिए यह टेरिटरी बनाई जाती है। एक प्रजाति का जीव अपने ही प्रजाति के जीवों को सिग्नल भी देता है और मेटिंग के लिए भी अट्रैक्ट करता है।
वहीं पे अगर हम देखें, वहीं पे अगर हम देखें तो हार्मोन्स जो होते हैं हमारे शरीर के या जीव के शरीर के इंटरनल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि फेरोमोन्स का असर जो होता है वह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तक होता है। जैसे कोई जीव है मेटिंग के लिए, उसके शरीर से फेरोमोन्स निकलेंगे, वह दूर दूर तक एटमॉस्फेयर में दूसरा जीव उसको महसूस कर लेगा उसी प्रजाति का, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया कि अलर्ट करने के लिए फेरोमोन्स प्रोड्यूस कर देते हैं, तो यह भी हो गया। तो यह क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इसका असर है, जबकि यह जीव का इंडिविजुअल जीव के अंदर, इंडिविजुअल लिविंग के अंदर जो हमारा ऑर्गेनिज्म है या कोई लिविंग है उसके शरीर के अंदर यह हो रहा है। हार्मोन्स जो है शरीर के अंदर असर करता है, जबकि फेरोमोन्स जो होता है आउटर शरीर के बाहर के इन्वायरमेंट में भी असर करता है। और यह किसे, यह कौन इसे डिटेक्ट करेगा, अगर फेरोमोन्स का जो है प्रभाव जो इन्वायरमेंट में है तो कौन इसे डिटेक्ट करेगा, कौन पहचानेगा, उसी प्रजाति का जीव इसको पहचान सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं हार्मोन्स क्या करता है, हार्मोन्स टिपिकली हैव अ स्पेसिफिक टारगेट सेल और ऑर्गन्स दैट दे बाइंड टू, ठीक है। यहाँ पे यह कहना यह चाह रहा है कि हार्मोन्स जो होते हैं किसी खास तरह के ऑर्गन पर ही काम करेंगे। जैसे मेरे शरीर में, जैसे मेरी पिट्यूटरी ग्लैंड ने थायरोक्सिन हार्मोन बना दिया, सॉरी एसटीएच हार्मोन, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन बना दिया। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन जो बना है मेरे पिट्यूटरी ग्लैंड से, वह कहाँ पर असर डालेगा, वह रिलेटेड है किससे, थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। तो यहाँ पे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड मेरे सर के अंदर है, वहां पे कौन सा हार्मोन बना, वह सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन बना, यानी जिसे हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। वो हार्मोन आगे किस ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है कि थायराइड ग्लैंड तुम अब थायरॉक्सिन बनाओ। तो यहाँ पे जो हार्मोन है एक विशेष स्पेसिफिक सेल या स्पेसिफिक ऑर्गन को टारगेट कर रहा है, जबकि फेरोमोन्स क्या कर रहा है, यह एक स्पीसीज के बहुत सारे जानवरों को टारगेट कर रहा है। सपोज देयर इज अ फीमेल, एक जो है किसी एक फीमेल, एक मादा है, उसके शरीर से अगर फेरोमोन्स निकल रहा है तो बहुत सारे मेल उसी स्पीसीज के मेल को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर को नहीं, कई सारों को वह अट्रैक्ट कर रहा है। जबकि हार्मोन्स जो है हमारे शरीर के अंदर है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को ही टारगेट कर रहा है। इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे इंसुलिन, थायराइड हार्मोन्स हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये सारे हार्मोन्स जो है एग्जांपल है हार्मोन्स के। यहीं पर फेरोमोन्स जो है मोथ जो होते हैं उनको, उनके शरीर में सेक्स फेरोमोन्स होते हैं जो दूसरे मोथ को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे चींटियां होती हैं, वो अपने चींटियां जो होती हैं फेरोमोन्स छोड़ती हुई जाएंगी, पीछे पीछे दूसरी चींटी भी उसी कतार में आगे बढ़ती जाएगी, यह हो गया। वहीं पर डॉग्स वगैरह भी जो होते हैं वह कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बाउंड्री बनाते हैं। तो फेरोमोन्स और हार्मोन्स में बेसिक डिफरेंस ये है कि फेरोमोन्स हार्मोन्स जो होते हैं इंडिविजुअल से संबंधित होता है, इंडिविजुअल के शरीर के अंदर यह काम करेगा और शरीर के अंदर किसी खास ऑर्गन या खास पर्टिकुलर सेल को टारगेट करेगा। वहीं फेरोमोन्स क्या होता है, एक जीव के शरीर से निकलेगा, यह एक्सटर्नली फैलेगा, उसी प्रजाति के दूसरे जीव को अट्रैक्ट करेगा। इसका मेन काम होगा अलर्ट करना, बाउंड्री निर्धारित करना या मेटिंग के लिए यह फेरोमोन्स रोल प्ले करते हैं। वहीं इसकी हम बात करेंगे तो ये जो होते हैं किसके लिए होते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए। तो फेरोमोन्स और हार्मोन्स में आशा है आप अंतर समझ गए होंगे। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, अगला टॉपिक भी देख लेते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा ग्लैंड से संबंधित है। तीन तरह की ग्लैंड होती हैं जो हार्मोन्स या एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं। हमारे इंडोक्राइन सिस्टम में तीन तरह की ग्लैंड होती हैं जो हार्मोन्स और एंजाइम को प्रोड्यूस करती हैं। तो इनके बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड, यह तीन तरह की ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है यह हमारे शरीर में एंजाइम प्रोड्यूस करती है, जैसे शरीर में आंसुओं का बनना, कान में जो है वैक्स बन जाना, ठीक है, हमारे नाक पे जो आयल निकल आया है, सेबेसियस ग्लैंड जो सेबम प्रोड्यूस कर रही है, यह हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम है। वहीं पे इंडोक्राइन ग्लैंड क्या कर रही है, इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स बनाती है, और मिक्स ग्लैंड जो होती है हार्मोन और एंजाइम दोनों का ही निर्माण करती है, ठीक है, ये दोनों का ही श्रवण करती है या श्रावित करती है, सिक्रेट करती है या बनाती है, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन के पास क्या होता है, डक्ट होता है, डक्ट मतलब पतली सी नलिका, डक्ट मतलब पतली सी नलिका। जैसे लीवर जो है बाइल जूस बनाया तो एक डक्ट के जरिए ड्यूओडेनम तक भेज देगा,
पैनक्रियाज जो है पैनक्रेटिक जूस बनाया तो डक्ट के जरिए बाहर भेज देगा, वहीं हमारी आयल ग्लैंड है यानी सेबेसियस ग्लैंड है वह भी डक्ट के जरिए आयल को बाहर निकालेंगी, स्किन जो है हमारी आयली हमको महसूस होने लगेगी, डक्ट होगा। यानी कि एंजाइम जो है हमारे ब्लड में नहीं मिल सकता, एंजाइम हमारे ब्लड में नहीं मिलता, डक्ट के जरिए ही वह संबंधित आर्गन तक भेज दिया जाता है, संबंधित अंगों तक भेज दिया जाता है। वहीं अगर हम हार्मोन की बात करते हैं तो हार्मोन जो होते हैं वह प्रोड्यूस किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के जरिए और उसे मिक्स कर दिया जाता है ब्लड में, ब्लड के जरिए पूरा हार्मोन पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है, जिस शरीर के जिस अंग को आर्गन को वह हार्मोन चाहिए वह उसे रिसीव कर लेता है। यहां पर कोई डक्ट या कोई नलिका नहीं होती है। यहां पे अगर हम बात करें मिक्स ग्लैंड की तो मिक्स ग्लैंड में डक्ट भी होता है, जब मिक्स ग्लैंड एंजाइम बनाएगी तो डक्ट के जरिए संबंधित आर्गन को भेजेगी और जब वह हार्मोन बनाएगी तो ब्लड में मिला देगी। जैसे पैनक्रियाज जो है वह मिक्स ग्लैंड का एग्जाम्पल है, वह क्या करेगा जब इंसुलिन बनाएगा तो उसे ब्लड में मिला देगा, इंसुलिन को ब्लड में मिला देता है। इसके अलावा एक और हार्मोन यह बनाता है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन को भी ब्लड में मिलाएगा। लेकिन यही पैनक्रिया जब पैनक्रियाटिक जूस यानी एमाइलेज बनाएगा लाइपेज बनाएगा और ट्रिप्सिन बनाएगा, तब क्या करेगा, तब उसको डक्ट के जरिए भेज देगा हमारे आंतों में, छोटी आंत में, जहां वह खाने को डाइजेस्ट करने के काम आ जाएगा। वहीं पे अगर हम इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो इंडोक्राइन ग्लैंड में जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, पीनियल ग्लैंड हो गई, ये सब क्या है, ये सब हार्मोन बनाती हैं, सीधे ब्लड में मिलाती हैं। लीवर क्या हो गया, बाइल जूस बना देगा, स्वेट ग्लैंड जो होती हैं पसीना बना देंगी, सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं छह होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड हो जाएगी, सब मैक्सिला ग्लैंड हो जाएगी, सब लिंगुअल ग्लैंड हो जाएंगी, ये दो दो होती हैं, एक एक जोड़े में होती हैं, दोनों कान के नीचे पैरोटिड ग्लैंड, ये जबड़ा जहां पे मिलता है यहां पे सब मैक्सिलरी, यहां पे मैक्सिलरी हड्डी होती है तो सब मैक्सिलरी ग्लैंड और जीभ के नीचे सब लिंगुअल ग्लैंड। तो ये जो होता है एंजाइम बनाती हैं। तो ओवरऑल आप हमारा यह हो गया इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड के बीच का डिफरेंस। तो दो टॉपिक आज के लिए काफी है, मिलते हैं अब अगले हम किसी अन्य वीडियो में, अन्य किसी वीडियो में मिलेंगे, किसी नए टॉपिक पे फिर बात करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक।